हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच बी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इंडिया ड्रॉ के लिए नहीं खेल रहा है, चाहे हार जाए मैच, वो खेल ही रहा है जीतने के लिए कि हम आएंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे। लेकिन 356 के बाद अगर इंडिया ये मैच जीतता है ना, जिस तरह 2 दिन में बांग्लादेश को हराया था ना, तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ये पहली टीम 46 रन करके मैच जीतने के करीब जा रही है। इंडिया आपको पता है 350+ रन की लीड हो, 46 पे आउट हुए हो, तो कैसे आप कम बैक कर सकते हैं? इंडिया ने वो किया, ये है टेस्ट क्रिकेट की पिच और मेरे ख्याल से इंडियन टीम ने वैसा कम बैक करके दिखाया। क्यों ना करे, नंबर वन टीम है, अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं। हमारी टीम की तरह थोड़ी है कि 200 रन की लीड मिली हो तो हम 150 पे आउट हो जाएं। कि पाकिस्तान मीडिया और इंडिया मीडिया के लोगों को किस चीज की तकलीफ है क्रिकेटर से, मुझे ये बता दो। जैसे विराट कोहली के बारे में इसी तरह पाकिस्तान में भी हाल है, ओ जी उसका ध्यान नहीं है, उसका ये नहीं। अबे यार तुम लोग अपने काम करो भाई, क्या किया, बोलती बंद कर दी ना 70 करके, बेशक 100 नहीं किया, 70 करके बोलती बंद कर दी। नहीं बोलती बंद की इस तरह 46 पर आउट करके कितनी टीमें हैं जो पूरे दिन 5.5 के रन रेट से खेलेंगी क्रिकेट। अबे बेंगलुरु का रिकॉर्ड तोड़ दे तो ये आपसे न्यूजीलैंड को तो टाइट वाला, फिर उसके बाद पता चलेगा कि ये 46 के बाद बाउंस बैक कैसा होता है। ये जो बाउंस बैक है ना, ये सिर्फ सूट रोहित शर्मा की टीम पे करता है भाई। और अगर पार्टनरशिप लग गई कम से कम 100-125 की और आखिरी दिन 225 रन करने हो, 225 से 250 रन, अभी 125 रन रहते हैं। लेकिन यहाँ तक भी आना, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन टीम की, कमाल की बैटिंग की है विराट कोहली ने। तो सरफराज तुम्हें वो मौका ऊपर वाले ने दिया है कि तुम वो पहले आदमी हो गए मेरे भाई कि तुम वो रन कर दो। तुमने 170 किया तो इंडिया को ये टेस्ट जीतना ही पड़ेगा शर्म से, और 220 रन पे मेरी बुक में न्यूजीलैंड के लिए नहीं खेल रहा है, चाहे हार जाए मैच, वो खेल ही रहे जीतने के लिए कि हम आएंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे। और द वे ऑफ द प्लेइंग था ना, जैसे जसवाल ने और रोहित ने शुरू करा था, रोहित ने आज जो पुल पे छक्का मारा ना, आय हाय हाय, पता नहीं क्यों इतना टाइम है उसके पास। और आज बहुत संभल के खेला था, उसकी बैड लक हुई कि बॉल को डेड बैट से खेला और बॉल पीछे जाके स्टंप में लग गई। शुरू के 4 ओवर जिस तरह आज विराट खेला है ना, मैंने अपनी लाइफ में सदा नहीं देखा, इतना शिकी। उसके बाद उसने क्या करा, वो रनिंग तेज करने लगा, खेले टिप्पण डबल, हाथों से हाथ डबल लेना शुरू कर दिया। उसने इस तरह अपने आप को एडजस्ट करा कि मैं इन्हें इस तरह डिस्टर्ब करता हूँ, रनिंग से डिस्टर्ब करा। फिर जब उसके बैट पे आना शुरू हुई, जब कवर ड्राइव पे चौका मारा, फिर पटेल को छक्का और स्वीप पे चौका मारा, लग रहा था जी नजर लग जाती है, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि खूब खेला। 70 की जगह 170 होता ना तो मजा आता। अगर सरफराज यहाँ पे 170 करता है, क्योंकि स्पिनर पे तो काउंटर अटैक कर रहा है, भरमार करेंगे उसने, स्वीप पे मार के मिड विकेट मार के उसने डिस्टर्ब करा, और फास्ट बॉलर को भी थर्ड मैन पे खेलता है जैसा अपना गेम खेल रहा है वो। गौतम गंभीर ने फ्री हैंड दिया हुआ है कि खेलो, लेकिन जीतने के लिए खेलना है, टुक टुक नहीं करना है ड्रॉ के लिए। चाहे आप इंडिया के 8 भी आउट हो जाए ना, इंडिया ड्रॉ के लिए नहीं खेले। द वे ऑफ प्लेइंग आप देखे ना, 49 ओवर्स में 231 है, ऑलमोस्ट 4.5-4.5 से ऊपर किया मुझे। अगर कल सुबह के सेशन में लीड उतर जाती है और अगर पार्टनरशिप लग गई कम से कम 100-125 की और आखिरी दिन 225 रन करने हो, 225 से 250 रन, फिर इंडिया न्यूजीलैंड नहीं जीतेगा। क्यों? कि जिस तरह बॉल ब्रेक होगा, जिस तरह बॉल क्रैक्स पड़ेंगे, अनइवन ऊपर नीचे होगा, प्रॉब्लम होगी, 250 रन इतने आसान नहीं होंगे। इंडिया की एक ही सोच है, उन्होंने जो फैसला करना था टॉस जीत के बैटिंग करना, वो साफ उन्होंने क्लियर कर दिया। अब उनका टारगेट है हमें मैच जीतना। लेकिन 356 के बाद अगर इंडिया ये मैच जीतता है ना, जिस तरह 2 दिन में बांग्लादेश को हराया था ना, तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ये पहली टीम 46 रन करके मैच जीतने के करीब जा रहे हैं, और वो जीतने पे जाएंगे क्योंकि उनके जहन में WTC का फाइनल है। वो ये नहीं देख रहे कि हम ये मैच हार जाए, नहीं, वो जीतने पे जा रहे हैं। जो कल से 46 की आवाजें थी भाई, उन्होंने जो आज बाउंस बैक किया है, और अब सिर्फ 124 रन है जो अगली पार्टनरशिप में पूरे भी हो सकते हैं। तो मैं ये बता दूं कि ये 180-200 चेस करने पड़ गए ना वेयर एंड टेयर के साथ, वो खेल तो रिपोर्ट फिर तुम्हारी अच्छी नहीं है कुलदीप अश्विन और जडेजा के सामने। इस तरह 46 पर आउट करके कितनी टीमें हैं जो पूरे दिन 5.5 के रन रेट से खेलेंगी क्रिकेट। अबे बेंगलुरु का रिकॉर्ड तोड़ दे बॉल तो ये, अब इंडिया 100 बाउंस बैक मुझे सिर्फ इंडिया की। सरफराज के हवाले से, सरफराज तुम्हारा बड़ा स्ट्रगल है, तुम्हें कहा गया कि ब्रेडमैन जैसा एवरेज कब खेलोगे, कब खेलोगे, बिल्कुल तुम्हारी अब भी तारीफ बनती है, लेकिन मैं तुम्हें एक डिफरेंट लक्ष्य देके जा रहा हूँ। तुमने आज बजा दिया, तुमने जो अग्रेशन शो किया किंग के साथ खड़े हुए थे, यकीन है बजाया वो क्या, लेकिन मेरी बात को अगर तुमने इस इनिंग को 160-170 में कन्वर्ट कर दिया, मैं 200 की बात नहीं कर रहा, कर दिया,
तो इंडिया को फिर ये टेस्ट जीतना ही पड़ेगा। तुम्हारा 70-170 में कन्वर्ट होना चाहिए। तो सरफराज तुम्हें वो मौका ऊपर वाले ने दिया है कि तुम वो पहले आदमी होगे मेरे भाई कि तुम वो रन कर दो। तुमने 170 किया तो इंडिया को ये टेस्ट जीतना ही पड़ेगा शर्म से, और 220 रन पे मेरी बुक में न्यूजीलैंड लेट जाएगा। विराट की गेंद देखी जो बॉल वो स्टर्निंग और 14 रन का ओवर किसने देखा? गिट्टो पे बॉल गिर रहा था, गिट्टो पे 14 रन के ओवर के बाद सरफराज ने भी फिर अगले ओवर में एजाज पटेल को मारा के भाई देख तू विकेट लेगा तो ले, पर हम तुझ पर चढ़ाई करेंगे। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि आखिरी ओवर में आउट हो गया विराट। आखिरी ओवर कोई बात नहीं, खिलाड़ी है, खेल रहा है, आउट भी होगा, वो क्या जिंदगी में थोड़ी खेलेगा कोई, ठीक है। मगर ये जो मोमेंटम देना था टीम को, आज 6.5-6.5 रन से वो दोनों खेल के गए सरफराज और विराट। हालांकि बैक टू बैक विकेट गिरी आपसे न्यूजीलैंड को, तो टाइट वाला फिर उसके बाद पता चलेगा कि ये 46 के बाद बाउंस बैक कैसा होता है। ये जो बाउंस बैक है ना, ये सिर्फ सूट रोहित शर्मा की टीम पे करता है भाई, पहले विराट की थी, रोहित 46 के बाद इतना दम किसी में रहता है। इंडिया आपको पता है 350+ रन की लीड हो, 46 पे आउट हुए हो, तो कैसे आप कम बैक कर सकते हैं? इंडिया ने वो किया। और मैं कहता हूँ कि कल जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना मैच के बाद, ये चीज वो नजर आई है कि न्यूजीलैंड टीम को टेल का जोर लगाना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं टेस्ट मैच जीतेंगे। बेशक आपने 350 रन की लीड ले ली है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसी विकेट नहीं मिलेंगी जैसे पहली इनिंग में मिल गई है कल। ये है टेस्ट क्रिकेट की पिच, और मेरे ख्याल से इंडियन टीम ने वैसा कम बैक करके दिखाया। क्यों ना करे, नंबर वन टीम है, अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं। हमारी टीम की तरह थोड़ी है कि 200 रन की लीड मिली हो तो हम 150 पे आउट हो जाएं। वो एक क्वालिटी बैटिंग लाइनअप है, उनको पता है कि इंडिया कैसे कम बैक कर सकती है। नंबर वन टीम क्यों बने हुए हैं, बिलीव होना चाहिए, और इंडियन टीम में वो नजर आया। रोहित शर्मा जितना खेला भाई, क्लास है रोहित शर्मा की, कि पता चलता है कि कोई बैट्समैन खेल रहा है, कोई हंगर नजर आ रही है कि मैं अपनी टीम को प्रेशर से निकाल के लेके जाना है। उसके बाद आप देखें कि सरफराज की और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप लगी है, क्या जबरदस्त अप्रोच के साथ, और सरफराज क्या कमाल खेला है, उसने स्कोर बोर्ड रुकने नहीं दिया। 231 रन बन गए हैं, 3 आउट है 49 ओवरों में, तो 4.71 रन पर ओवर के साथ खेले हैं, तो तब भी आप प्रेशर रिलीज कर सकते हैं ना अपनी टीम पे। अभी 125 रन रहते हैं, लेकिन यहां तक भी आना मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन टीम की। कमाल की बैटिंग की है विराट कोहली ने, खैर सरफराज ने कमाल बैटिंग की है यार। मजा आया कि डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज नजर आई है। और स्कोर बोर्ड रुकने नहीं दिया, अप्रोच देखे कितनी जबरदस्त थी मेंटली, और रनिंग बिटवीन द विकेट जो शॉट्स खेली है, जो विलो और ओको खेला थर्ड मैन, जो मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल स्किल, मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। आप अगर ये वनडे क्रिकेट में आएगा तो कितने तेज रन बनेंगे। रोहित शर्मा ने 50 की इनिंग खेली और बैड लग रही जिस तरह वो आउट हुए, उसके बाद विराट कोहली आखिरी ओवर में आउट हो गए दिन के। सरफराज जो है वो भी 70 पे खेल रहे, और विराट जो 70 पे आउट हो गए, कि पाकिस्तान मीडिया और इंडिया मीडिया के लोगों को किस चीज की तकलीफ है क्रिकेटर से, मुझे ये बता दो। जैसे विराट कोहली के बारे में, वो वहां बैठ के मीडिया में बातें हो रही है, ओ जी वो घूमने फिरने क्यों गया, ओ जी उस टेस्ट सीरीज थी ये न्यूजीलैंड वाली, इसको यहां होना चाहिए था, इसको नेट प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। अबे भाई क्या मतलब नेट प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, क्या इंसान है क्या वो घूमे फिरे ना है, मतलब तुम सबों की शक्लें देखता रहे क्या घूमे फिरे ना वो, इसी तरह पाकिस्तान में भी हाल है, वो जी उसका ध्यान नहीं है, उसका ये नहीं। अबे यार तुम लोग अपने काम करो भाई, क्या किया, बोलती बंद कर दी ना 70 करके, बेशक 100 नहीं किया 70 करके बोलती बंद कर दी, नहीं बोलती बंद की, मतलब एक क्रिकेटर अपनी जॉब करके अपना काम करके सुबह से लेकर रात तक वो गर्मी में बंदा रहता है, उसके सर में गर्मी, मतलब थकावट से बुरा हाल, पसीने निकल निकल के उसके बुरे हाल होते हैं, ठीक है उसको भी रेस्ट चाहिए भाई, हर क्रिकेटर को रेस्ट चाहिए। तो क्या आपको क्या तकलीफ है भाई, क्या उधर बीसीसीआई नहीं है, बीसीसीआई को नहीं पता कि वो घूमने फिरने गया हुआ है। इसी तरीके से विराट भी, और 9 इनिंगें हुई उसके पीछे पड़ गए, क्या किया आज उसने रन किए ना, तो भाई थोड़ा सबर करो, सबर किया करो, अभी थोड़े दिन बाद रोहित शर्मा के पीछे पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं एचबी सूरज प्ले। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई भी विराट कोहली और सरफराज अहमद की शानदार बैटिंग से देखकर खुशी हुई तो फ्रेंड्स इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के हाइलाइट्स में देखा कैसे पाक मीडिया का रिएक्शन आ रहा है कि कुछ बैटिंग सीखनी है, किसी को कैसे कम बैक किया जाता है, 46 पे ऑल आउट होने के बाद सेकेंड इनिंग में कैसे कम बैक की जाती है, इनको लेके बहुत प्यारा प्यारा सा रिएक्शन आ रहा है, आप लोगों ने वीडियो के हाइलाइट्स में देख ही लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स पूरे मैच के डिटेल्स को डिकोड करते हैं हम आपके लिए।
फ्रेंड्स तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। न्यूजीलैंड से भारत 125 रन पीछे है। फ्रेंड्स भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु में खेले जा रहे टेस्ट मैच फिलहाल न्यूजीलैंड के पास 125 रनों की बढ़त है। पहली पारी में भारतीय टीम सिर्फ 46 रन पर ही ढेर हो गई थी। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 402 रन बनाए थे। दूसरी पारी में वापसी करते समय भारतीय टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ही विकेट निरसन पर 231 रन बना चुकी है। फ्रेंड्स भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट का आज तीसरा दिन का खेल खत्म हो चुका है। इससे पहले दो दिनों में एक दिन का खेल पूरी तरह से बारिश में धुल गया था। फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता ही है सिर्फ दूसरे दिन का खेल ही खेल हो पाया और जिसमें न्यूजीलैंड के मैच की अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। फ्रेंड्स न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के 46 रनों पर ढीर कर दिया था। पहली पारी में 402 रन बनाए और कुल 356 रन की बढ़त ले ली है। इसके जवाब में भारतीय टीम ने दूसरी पारी में शानदार बैटिंग का मुजाहरा दिखाते हुए तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना चुकी है। फ्रेंड्स अब न्यूजीलैंड से भारत 125 रन पीछे है। टीम इंडिया के लिए दिन का अंत अच्छा नहीं रहा। लैब में दिख रहे विराट कोहली 70 रन बनाकर तीसरे सेशन के आखिरी गेंद पर आउट हो गए। फ्रेंड्स जो कि बहुत ही बड़ी बात थी, मुझे भी लगी। और फ्रेंड्स इसके अलावा रोहित शर्मा 52 रन और यशस्वी जायसवाल 35 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप फ्रेंड्स चैनल पे नहीं हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मेहनत सफल हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।